तो दादी एक छोटी सी शादी करते हैं ना, इतने धूमधाम और शोर की क्या जरूरत। पारस, आपकी बीवी एक दिन में जादू से प्रकट तो नहीं होगी। अरे हमें बिरादरी वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये शादी चोरों की तरह नहीं कर सकते। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, बताइए अभी क्या करना है। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, शादी बड़े धूमधाम से पूरे रीति रिवाजों से होगी, पर मान्या को इस शादी के लिए अनाथ बनना पड़ेगा। मंजूर है तुम्हें? दादी ये क्या बोल रही हैं आप? पारस पारस, आप हर बात का बकेला क्यों खड़ा कर देते हो? दिखाना है, मम्मी जी ने कहा सिर्फ दिखाना है कि मानिया अनाथ है। किसी ने कहा कि वो असल में अनाथ बने? पर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो कुछ महीनों बाद शादी की बात की थी ना, तब तो कोई ऐसी शर्त नहीं थी, तो फिर आप क्यों? बोलिए दादी, आप हर चीज में ऐसे दबा नहीं सकती। हाँ, कुछ महीनों बाद की बात की थी हमने, पर हमें लगा था कि आप दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे तो शायद एक दूसरे को भूल ही जाओगे। दादी आप हमारे साथ इस तरह की चाल, इस तरह का खिलवाड़ करना कब बंद करेंगी? पारस बेटा, आप सिर्फ हमें ही क्यों बुरा मानते हो? कभी गलती से आपने ये सोचा कि आपने जो किया वो भी गलत था? अगर अच्छे बुरे का इतना ही पता है आपको, तो बताओ आपके कितने दोस्तों ने काम वाली बाई या तो ड्राइवर की बेटी से शादी की है? एक भी नाम ले सकते हो? उल्टा आपने तो हमें ही मिसाल बना दिया। हम गोयनका वाले ये पहली बार कर रहे हैं। बेटा, हम सब समाज का हिस्सा है, यहाँ कोई किसी से परे नहीं है। आपको पता है आप दोनों जैसा यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जोड़ी बाकियों से कुछ और ही अलग है। पर गलत भी नहीं है, हम जिंदगी का हर फैसला ये सोचकर तो नहीं ले सकते कि लोग क्या कहेंगे। देखो बेटा, सब कुछ जानते हुए भी हम मान्या को इस घर की बहू मानने के लिए तैयार है, पर लोग हमारे बारे में बातें बनाए ये हम नहीं सह सकते। पारस, हम 10 में से 9 कदम चले हैं, लेकिन एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। दादी, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, मैं अपने आई बाबा से रिश्ता तोड़ ही नहीं सकती। ये वही माँ बाप है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूं।
माफ कीजिए, सॉरी। फिर ये शादी भूल जाओ तुम। आ जाए, ये लो, आ गया, आ गया। मिसल पाव, राइट? क्यों, कैसी लगी सिया की पसंद? अब पछता तो नहीं रहे हो ना? सिया की चॉइस उसकी तरह एकदम सिंपल है, हर किसी को थोड़ी पसंद आती है। अंचन, कम ऑन यार, तमीज से बात करो। अरे मैं सही तो कह रही हूँ। उल्टा ना, ये चॉइस तो ना मुझे बड़ी मजेदार लग रही है। फर्स्ट बाइट जब मैंने लिया ना तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट लगा था, लेकिन जैसे मैं इसको खा रहा हूँ ना अभी टेस्ट मुझे समझ में आने लगा है। अच्छा है बहुत, थैंक्स। एंड सॉरी कंचन, तुम गलत हो। सिया ना सिंपल नहीं, वो अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़ी फोकस्ड है। अच्छा वैसे कंचन, तुमने जो ये सूट पहना है ना, ये अगर सिया पहनती ना तो फिर सिया पे ये सूट और ज्यादा अच्छा लगता। एक्चुअली तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए सिया, अच्छी लगोगी। और मुझे वॉशरूम जाना है। आई प्लीज, मेरे खातिर ये शर्त मत मानिए। आंटी, अगर बड़ी शादी नहीं होगी तो क्या इस बच्चे को बाप नहीं मिलेगा? ना हम कहीं जा रहे हैं और ना ही कोई मजबूर है। बाबा, मजबूरी की बात नहीं है, बात है बरसों पुराने रिश्तों को बनाए रखने की, उन्हें रिस्पेक्ट करने की। माँ जी ने कितना कुछ किया है, मैंने सारी जिंदगी माँ जी को देखा है, जाना है उनको। उनके लिए मान्या को बहू मानना बहुत बड़ी बात है। नीमा, ये हमारी बेटी की शादी है। सुरेश, उनके बेटे की भी तो शादी है ना, देखो ना माँ जी कितना बदल गई है। माँ जी के लिए मान्या को बहू मानना एक एक चमत्कार है। वक्त के साथ वो लोग मान्या को जानेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं बन सकती हूँ कि सिर्फ एक शादी अटेंड करने के लिए किसी परिवार से उनका बेटा छीन लूं। और मान्या, तुम लोगों के असल शादी में भी तो हम नहीं थे ना, तो फिर अब क्या हुआ? देखो, मैं ये सोच चुकी हूँ और तुम लोग भी मान जाओ। और एक बात भूलना मत, ये सिर्फ अब तुम दोनों की बात नहीं, तुम दोनों के बीच एक बच्चा भी है। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट मैसेज आया तो एक कॉल करके आऊँ मैं। अरे तुम जाओ ना यार, हर काम कैसे ऐसे पूछ के करोगे? मैनर्स जीजू, मैनर्स। मैनर्स नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। तो सिया, मैं बस आता हूँ। पता नहीं कंचन को बाथरूम में इतनी देर क्यों लग रही है। एक्सक्यूज मी सर, और कुछ है? चाय। क्या हुआ कंचन, देखा नहीं गया मुझे किसी और के साथ? मैं तो तुम्हारा वो राखी भाई हूं ना, अब मैं किसी और को अगर पसंद करता भी हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे भैया का घर बसने वाला है। बस बहुत हो गई तुम्हारी भाई बहन की बकवास, समझ आ रहा है तुम्हें? लेकिन ये सारा ड्रामा तो तुमने शुरू किया था ना कंचन, और अब देखो, अब खुद ही मुझ पर गुस्सा हो रही हो। मयंक, मैं अब शादीशुदा हूँ, क्या होगा ये सब करके? जब साथ चाहिए था तुम्हारा तब तो दिया नहीं, अब आयो
मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। और प्लीज सिया के साथ में छिछोरी हरकतें करना बंद करो तुम।